पे सांप बहुत आते थे, सब तरह के सांप है, सब कलर के सांप है। तो उन्होंने क्या किया, अभी भी सांप आते हैं? बिल्कुल आते हैं जी, जब अच्छा। उनको समय मिलता है जब वो यहाँ पे आते हैं। डिवाइन चैनल में आप सब भक्तों का स्वागत है। जैसा कि आज की वीडियो के टाइटल में आप देख रहे हैं कि नाग देवताओं के दर्शन, तो जब बात नाग देवताओं के दर्शन की हो रही है तो मेरे मन में आया कि मैं एक महाराज जी का एक किस्सा आप लोगों से शेयर करूं, जिसमें महाराज जी का शिव रूप का दर्शन देना। बाबा जी का विषम परिस्थिति में घर से भागकर जाना एक निमित्त था। वास्तव में आगे होने वाली उनके जीवन की महान लीलाओं की यह भूमिका थी। बाबानिया से अपने देश भ्रमण के लिए प्रस्थान किया। आप इस यात्रा में जिला फरुखाबाद में ग्राम नीप करोरी पहुँचे, जहाँ आपने विश्राम किया। आपकी वाणी दिव्य थी, जो भी शब्द उनके मुंह से निकलते सत्य घटित होते पाए गए। इस कारण ग्रामवासियों का बाबा लक्ष्मण दास से लगाव हो गया। इन लोगों ने आपको अपने गांव में ही रोक लिया और आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जमीन के नीचे एक गुफा बना दी। बाबा इसके भीतर अपनी साधना में लीन रहते थे। आप दिन भर गुफा में रहते और रात्रि के अंधेरे में बाहर आते थे। वे कब दिशा मैदान जाते थे किसी ने उन्हें नहीं देखा। इस प्रकार ग्राम के लोगों से आपका संपर्क कम रहा। कालांतर में प्रकृति के कार्यों से ये गुफा नष्ट हो गई। इसके बाद इस गुफा से 200 मीटर दूर पर एक दूसरी गुफा का निर्माण किया गया, जो आज भी सुरक्षित है। इस गुफा के ऊपरी भूमि पर बाबा जी ने हनुमान मंदिर बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा में आपने एक महीने का महायज्ञ किया। इस अवसर पर
आपने अपनी जटाएं भी उतरवा दी और मात्र एक धोती धारण करने लगे, जिसे आप आधी पहनते और आधी उड़ते रहते थे। इस नई गुफा में आने के बाद से बाबा जी का संपर्क गांव वालों से बढ़ता चला गया। यहाँ उनकी अनेक लीलाएं हुई और जो अब भी ग्रामवासियों से सुनी जा सकती हैं। यहाँ गोपाल नामक एक तिरस्कृत बहेलिया आपका भक्त हो गया, जो आपकी गुफा में नित्य सेवा के लिए आता था। नीप करोरी के समवयस्क युवकों के साथ बाबा का मेल जोल बढ़ गया। वे उनके साथ खेल कूद में भाग भी लेने लगे। बाबा इनसे इतने घुल मिल रहते थे कि उनकी लीलाएं वैचित्र को समझ पाना इनके लिए कठिन था। आंख में चोनी के खेल में कोई कहीं भी जंगल में छिपा हो, आप उसे तुरंत ढूंढ लेते थे। आप जब स्वयं छिपते तो अदृश्य हो जाते थे। वृक्षारोहण में उनका पीछा करते, जब अन्य लोग उस पेड़ पर चढ़ते तो ऊपर पहुंचने पर बाबा पास के दूसरे पेड़ पर दिखाई देते। छलांग मारकर दूसरे पेड़ पर जाते, वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। फिर भी ये बात सखाओं के लिए एक साधारण आश्चर्य की बनकर रह जाती। तालाब में भी बाबा लुप्त हो जाते थे और बहुत देर बाद दिखाई देते थे। एक दिन गोपाल से भूल हो गई, उसे बाबा की आज्ञा का ध्यान नहीं रहा और वह दूध का लोटा लिए उनकी गुफा में प्रवेश कर गया। और फिर भीतर जाते ही वह त्रसित हो गया। वहाँ खड़े रहने की उसमें सामर्थ्य नहीं रही। उसने बाबा को सर्पों से लिपटे समाधि में लीन देखा। उनके इस शिव रूप को देखकर उसके हाथ से दूध का लोटा गिर गया और वह बाहर भाग आया और बेहोश होकर गिर गया। बाबा ने बाहर आकर उसे उठाया। उनके स्पर्श से उसमें चेतना आ गई। वे उससे कहने लगे, बिना आज्ञा तुम्हें गुफा में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। तो यह था शिव रूप का दर्शन देना। आज की वीडियो में मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक ऐसी पवित्र जगह पर, एक ऐसी पवित्र भूमि पर, जहाँ पर नाग देवताओं के नित्य दर्शन होते रहते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ जौनापुर नीप करोरी सेवा ट्रस्ट मंदिर की। यहाँ पे प्रारंभ में बहुत ज़्यादा नाग आते थे, बहुत ज़्यादा नाग देवताओं के दर्शन होते थे। उसके बाद में बाबा श्री सेवानंद जी ने यह देखा, जबकि यहाँ पर काफ़ी नाग आते हैं, तो उन्होंने फिर यहाँ पर एक नाग देवता का मंदिर बनवाया। जब ये नाग देवता का यहाँ पर मंदिर बना, उसके बाद में नाग आने बंद नहीं हुए, कम हुए, लेकिन आज भी वहाँ पे नाग आते हैं, नाग देवताओं के वहाँ पे दर्शन होते हैं। तो मेरी आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप जब भी इस मंदिर में आएँ जौनापुर दिल्ली, तो इस नाग देवता मंदिर के दर्शन जरूर करिएगा और यहाँ पे जलाभिषेक जरूर करना। और मेरी आप सभी भक्तों से ये प्रार्थना है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुँच जाए। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें और लाइक जरूर करें। तो चलिए अब चलते हैं नाग देवता मंदिर के दर्शन करने। Thank you.
सामने रास्ता जा रहा है ये नाग मंदिर के लिए। तो बहुत समय पहले क्या हुआ, जब सेवानंद बाबा जी यानी कि नीमकरौली बाबा के शिष्य जो हैं, सेवानंद बाबा जी यहाँ आए तो ये जंगल था, यहाँ पे सांप बहुत आते थे, सब तरह के सांप हैं, सब कलर के सांप हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक नाग मंदिर मूर्ति स्थापना कर दी, तो शिवलिंग स्थापित किया और नाग देवता को, तो सबसे यहाँ पे सांप जो है कम आते हैं। और ये देखिए तो अभी भी सांप आते हैं? बिल्कुल आते हैं जी, जब उनको समय मिलता है जब वो यहाँ पे आते हैं। Thank you.